नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ वाले मरीज़ जितने भी हैं उनको आलू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ा एक मिथ है कि आलू नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? आलू क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके कारण क्या हैं और इसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट रहता है जिसके द्वारा ग्लूकोज बॉडी में बनता है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना आलू खाना है या नहीं खाना। देखिए, एक आलू में अगर आप 100 ग्राम का एक आलू लेते हैं उसके अंदर 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अप्रोक्सीमेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 18 ग्राम के अप्रोक्सीमेट होता है और कैलोरीज जो होती है वो 80 यानी कि 80 है। अगर हम बात करें प्रोटीन के बारे में या फाइबर्स के बारे में तो इसके अंदर फाइबर्स ओनली 2% होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप 100 ग्राम का एक आलू लेते हैं उसके अंदर 18 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप 25 ग्राम या 30 ग्राम चावल लेते हैं उनको उबाल कर अगर आप बनाते हैं खाते हैं उनको बनाने के बाद, उसके अंदर आपका अप्रोक्सीमेट 18 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम बात करते हैं रोटी। एक रोटी के अंदर जितना आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उतना 100 ग्राम का जो आलू है उसके अंदर होता है, यानी कि एक रोटी के बराबर, डेढ़ रोटी के बराबर आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, जितना उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो 18 से 20 21 ग्राम के अप्रोक्सीमेट होता है। अब आपको याद ध्यान क्या रखना है कि आलू अगर आपको खाना है तो कितना खाना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आलू के अंदर जो तत्व हैं वो बड़ी जल्दी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप इसको लिमिटेशन में खाएंगे। तो ये मेरे पास एक आलू है, अगर आप इस आलू के बराबर, ये देख लीजिए, ये एक मेरे पास आलू है, इस आलू को अगर आप बराबर एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को अगर खाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप इसके साथ में 25 या 30 ग्राम चावल खाते हैं, एक आलू खाते हैं, डेढ़ रोटी खाते हैं तो आपको परेशानी होगी। उसका रीज़न ये है कि उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका ग्लूकोज बनाएगा, बॉडी की प्रोसेसिंग के द्वारा ग्लूकोज उसमें से बनता है। ठीक है, तो जब भी आप 100 ग्राम का एक आलू खाते हैं, 100 ग्राम का एक आलू खाते हैं आप, तो उसके अंदर 18 ग्राम आपके अंदर ये चला जाना है। अगर आप एक ये 50 ग्राम का आलू मान लीजिए, अगर ये 50 ग्राम का आलू है तो इसके अंदर आपका जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो 9 या 8 ग्राम के अप्रोक्सीमेट होगा। ठीक है, यानी कि 7 से लेकर 10 के 10 ग्राम के आसपास इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा। तो आपको करना क्या है, एक छोटा आलू आप आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो ब्लड शुगर है वो लेवल कितना होना चाहिए। देखिए, अगर आप खाना खाने से पहले अगर आपको करनी है रिपोर्ट डायबिटीज की, इसे हम कहते हैं फास्टिंग, तो ये जो आपकी रिपोर्ट है वो आपकी होनी चाहिए 90 के अंदर अंदर, यानी कि 70, 80, 90, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें खाना खाने के बाद, खाना खाने के डेढ़ घंटे बाद, तो आपकी 120, 130 चली जाना चाहिए, 140 तक चला जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको रैंडम कराते हैं तो रैंडम भी आपकी इतनी ही रहती है, 100, 120 के अप्रोक्सीमेट रहती है। अब आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसको मेंटेन कैसे करें। खाने पीने की चीज़ों में आपको मीठी वाली चीज़ें हैं वो कम कर देनी है, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें साथ में कम करनी है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों के अंदर होता है, आलू है, चावल है, ठीक है, और इसके अलावा कई और चीज़ें हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है वो चावल के अंदर पाई जाती है, आपको चावलों का सेवन कम से कम करना है अगर आपको डायबिटीज़ है तो। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना आलू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आलू खाना चाहिए लेकिन आपको एक लिमिटेशन में खाना चाहिए, यानी कि 50 ग्राम का अगर आप आलू खाते हैं उसके अंदर 9 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट जाता है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग के बाद में जो उसके अंदर ग्लूकोज बनेगा वो उससे भी कम बनेगा। तो आपको आलू खाना है लेकिन लिमिटेशन के साथ खाना है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो उसे लिमिटेशन के साथ खाइए और आपका डायबिटीज़ जो है नॉर्मल रहेगा। डायबिटीज़ की ज़्यादा मेडिसिन आपको नहीं खानी पड़ेंगी, इस तरह से आप हेल्दी और डायबिटीज़ का अपना ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स,
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसमें जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक सेंड कर दी है, चैनल का नाम है डॉक्टर ऑल इन वन के नाम से। उस चैनल पर भी मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करता हूँ, आप वहाँ जाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपका प्यार हमें देते रहिए, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।